हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz एंड सेकेंड पार्ट 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट 4x² + 9y² + 12xy - 24yz - 16xz। जो हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की थी x प्लस y प्लस z, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2z। ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी। अब देखिए, अगर ये गिवन क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से आप कंपैरिजन करें तो ये आरएचएस पार्ट्स है हमारा। अब आरएचएस पार्ट्स गिवन है तो हमें बनाना है एलएचएस पार्ट। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे अटेंड करेंगे क्वेश्चन। तो आइडेंटिटी आप सभी को याद होनी चाहिए, बिना आइडेंटिटी के आप अटेंड नहीं कर पाओगे। अब देखिए, इसको कंपैरिजन करने से पहले इसको कंप्लीटली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे 4x², अब x का तो स्क्वायर लग रहा है लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीट ये पार्ट x वाला पार्ट है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2x² प्लस 9y को हम लिख सकते हैं 3y² प्लस 16z को 4z². अब जो इसमें पार्ट्स आते हैं इसके अकॉर्डिंग प्लस में आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2x वाला पार्ट और y, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z, 2x, इट मींस 2x। कंपैरिजन करें तो वैल्यू ऑफ x 2x, वैल्यू ऑफ y 3y, वैल्यू ऑफ z 4z। तो इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है आपको प्लस 2xy प्लस 2yz। ब्रैकेट में आप राइट करेंगे तो गलतियां नहीं होगी आपसे। 2zx, z 4z है हमारे पास और x क्या है यहाँ पर 2x। अब देखिए, इसके साथ जो साइन है उसको चेक करते हैं। साइन हमारे पास देखिए गिवन क्वेश्चन में yz के साथ साइन है और xz के साथ, तो थोड़ा डिस्कस करके बताते हैं आपको। yz के साथ है और xz के साथ माइनस का साइन है हमारे पास नेगेटिव। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, जेड, दोनों में जेड कॉमन है, इट मीन्स जेड के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है ना। आपको कैसे फाइंड करना है, दोनों में जेड कॉमन आ रहा है इट मीन्स जेड के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं जेड के साथ माइनस, और जहां भी आपने जेड लिखा है वहां पर नेगेटिव साइन, फोर जेड के साथ क्या आएगा माइनस का फोर, ये माइनस। अब चेक करके देखते हैं इसको, गिवन क्वेश्चन बन रहा है 2x² 4x² 3 4 के स्क्वायर करेंगे तो -4z - 4z + 16z² आ रहा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 3 2 6 6 2 12xy। अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 2 6 6 4 24 माइनस का 24 आ रहा है, और इसको सिंपलीफाई करें प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 4 8 8 2 16 माइनस का 16xz आ रहा है। देखिए हमने जो गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया और साइन भी हमने एज इट इज लगा दिया। अब देखिए ये जो है आरएचएस पार्ट है हमारे पास गिवन है, और ये जो गिवन क्वेश्चन भी है हमारे पास क्या है आरएचएस पार्ट, ये किसके ऊपर होना चाहिए एलएचएस पार्ट के। इट मींस वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 2x एंड वैल्यू ऑफ y प्लस का साइन 3y, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4z होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए ये पूरी टर्म,
जब इसको ओपन करेंगे जब तो ये आएगा हमारे पास, तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है उसका फैक्टर क्या होगी, 2x + 3y - 4 है। वापस समझ में देखो ये इसके इक्वल है x + y + 10, इसमें x क्या है 2x, y क्या है 3y और z क्या है माइनस का 4z, z क्या है माइनस का 4z एंड इट इज ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे सिंपलीफाई करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ऐसे राइट करेंगे इसको भी, ये गिवन है हमारे पास 2x² + 5² + 8z² - √2xy + 4√2yz - 8xz। अब जो गिवन आइडेंटिटी है उसको राइट करेंगे हम x + y + z² ये किसके इक्वल होता है x² + y², ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने सारी आइडेंटिटी आपको पहले से नोट करा दी ताकि आप याद करके और क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। z² + 2xy + 2yz + 2z। अब देखिए गिवन आइडेंटिटी को इसके अकॉर्डिंग पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 2x² x पर तो स्क्वायर है लेकिन 2 पर नहीं, तो इसको हम राइट कर सकते हैं √2x² + y² + एट जेड, तो हम इसको राइट कर सकते हैं √8z². अब √8 को देखो सिंप्लीफाई करके या चेक करते हैं, √8 को हम राइट कर सकते हैं 4 × 2 रूट के अंदर 4 × 2। अब 4 का रूट तो स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 अंदर ही रहेगा, तो √8 को हम राइट कर सकते हैं, ध्यान रखना √8 को हमने लिखा 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया 2√2, इट मीन्स √8 को हम 2√2 राइट कर सकते हैं 2√2 एंड z² ओके। अब इसके बाद देखिए प्लस का साइन आएगा हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2xy, 2 राइट किया, वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब देखिए xyz, x क्या है √2x एंड y ब्रैकेट में साइन बाद में लगाएंगे, पहले हम राइट कर देते 2yz, 2 वैल्यू ऑफ y एंड ये z 2√2z एंड प्लस 2zx, z ये है हमारे पास 2√2z टू, ये z पार्ट और ये x पार्ट √2x। अब देखिए साइन देखते हैं, साइन हमारे पास एक नेगेटिव साइन यहाँ पर xy के साथ है और xz के साथ, दोनों में कॉमन कौन से टर्म्स है x, इट मीन्स x के साथ माइनस का साइन है, तो x के साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास x के साथ नेगेटिव, इस ये वाले x के साथ √2x के साथ माइनस का साइन लगा देते, ये माइनस का साइन ओके, साइन बाद में लगाया तो गलती नहीं होगी। अब थोड़ा इंप्लीमेंट इसको ओपन करके चेक कर ले, माइनस का √2² ये देखो 2x² y² 2√2 जब स्क्वायर करेंगे 4 और √2² 2, तो 4 × 2 8z² है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2√2xy है, इसको सिंपलीफाई करें ऐसे ये 2 × 2 4 4√2yz है मेरा 4√2 प्लस माइनस माइनस होता है 2 × 2 = 4 और ये हमारे पास जेड वाला जो पार्ट है 2 × 4 और √2 × √2 2 तो 4 × 2 8xz आ रहा है हमारे पास ओके। तो ये किसके इक्वल है कम्प्लीटली, इसके इक्वल है, इट मीन्स ये किसके इक्वल होना चाहिए x + y + z² लेकिन वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास √2x, वैल्यू ऑफ y क्या है हमारे पास प्लस का y एंड वैल्यू ऑफ z क्या है हमारे पास 2√2z² दैट इज आंसर, ये इसके इक्वल होना चाहिए ठीक है।
अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे. अब क्यूब वाली जो हमने आइडेंटिटी आपको राइट की है ये काम आएगी. इसमें देखिए कौन सी है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y + 3xy² ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास. गिवन क्वेश्चन को कंपैरिजन करके देखो वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल है, 2x, वैल्यू ऑफ y 1 के इक्वल है. तो जस्ट आइडेंटिटी में पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ 2x एंड वैल्यू ऑफ y 1 पुट करेंगे. 2x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू x की जगह आपने 2x, 2x क्यूब प्लस वाई की जगह आपको चाहिए 1 क्यूब प्लस 3, एक्स की जगह आपको 2x एंड इस पर क्या है स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 वैल्यू ऑफ x 2x एंड वैल्यू 1 एंड इट्स स्क्वायर. जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, कंपैरिजन करना है आइडेंटिटी और x और y की वैल्यू जस्ट आइडेंटिटी के अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करना है. अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन ही हो, 2x आइडेंटिटी राइट कर दे इसको. अब इसको सिंपलीफाई कर दे, 2 क्यूब इट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x 2 2 जा 4 4 2 जा 8. अब देखिए x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, x पावर ऑफ 1 1 बेस तीनों की इक्वल है हमारे पास. जब बेस इक्वल है पावर प्लस हो जाती है, 1 + 1 + 1 पावर 3 एक्स क्यूब हो गया 8x³. वेरिएबल को पावर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना और पावर रूल के अकॉर्डिंग प्लस 1³ 1 × 1 × 1 1 ही होता है प्लस. अब देखिए 2x² 2x * 2x 4x² 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा हमारे पास, 3 2 जा x 3 2 जा 6x दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म मींस आइडेंटिटी यूज करके उसको एक्सपेंड करना. सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास, थर्ड पार्ट गिवन है 3x अपॉन 2 मॉडुलस लगा हुआ है इसमें मॉडुलस. तो मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट x प्लस y होल क्यूब फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था ये इसको एडिटिव राइट करेंगे. आप y होल क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर y प्लस 3 x y कंपेरिजन करेंगे वैल्यू ऑफ x. देखिए इसको गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया हमारे पास 3x अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ y 1 के इक्वल. आइडेंटिटी में पुट कर देंगे 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब वैल्यू ऑफ x 3x अपॉन 2 होल क्यूब प्लस वैल्यू ऑफ y 1 प्लस 3 वैल्यू ऑफ x 3x अपॉन 2 square value.